भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जारी पहले टेस्ट मैच का आज पहले दिन का खेल समाप्त हुआ। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। इंग्लैंड की टीम 246 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड की ओर से सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी उनके कप्तान बेन स्टोक्स ने की। उन्होंने 70 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनके अलावा टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में असमर्थ रहा। इसके बाद जवाब में बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम के दौरान एक फैन मैदान पर घुस आया, जिसने रोहित शर्मा के पैर छुए और उसने 18 नंबर की जर्सी पहनी हुई थी। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसको बाहर निकाला, जिसके बाद जब भारतीय टीम की पारी शुरू हुई तो यशस्वी जायसवाल आक्रामक अंदाज में बैटिंग करते हुए नजर आए। उन्होंने अब तक ताबड़तोड़ 76 रन बना लिए हैं और अभी तक नाबाद हैं। भारत की ओर से सिर्फ एक विकेट गिरा है, जो कि कप्तान रोहित शर्मा का है। वो एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। जैक लीच इकलौते ऐसे बॉलर हैं जिनको एक सफलता हाथ लगी है। वहीं भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल चार गेंदबाजों को विकेट मिला। अक्षर पटेल और बुमराह को दो दो सफलताएं, वहीं रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को तीन तीन सफलताएं हाथ लगी हैं। भारत की ओर से सबसे ज्यादा बॉलिंग करने वाले रविचंद्रन अश्विन ने आज एक कारनामा भी अपने नाम किया। भारत की ओर से तीन विकेट लेते ही रविचंद्रन अश्विन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। वो भारत की ओर से 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के नाथन लायन और पैट कमिंस ये कारनामा कर चुके हैं। आपको बता दें कि ये 2023 और 25 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल चल रही है। इसमें भारतीय टीम दूसरे पायदान पर है। इसका फाइनल 2025 में खेला जाएगा। उस लिहाज से भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच ये टेस्ट सीरीज काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैच खत्म होने के बाद अब आगे की पारी कल शुरू होगी। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल भी बैटिंग करते हुए बेहतरीन दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी विशेष जानकारियों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।